Good morning, class. This is our new anaphysio class in which today we will study about the last portion of gallbladder, that is physiology of gallbladder. देखिए normal adult में gallbladder जो है 500 से 1000 ml per day अपने bile का secretion करती है. इस bile का secretion जो है वो न्यूरोजेनिक हार्मोनल क्लिनिकल स्टिम्युलाई से हो रहा होता है. मतलब ये स्टिम्युलेशन मिलता है तब इसका सिक्रेशन होता है. स्टिम्युलेटर्स में HCL भी इन्वॉल्व होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स, फैटी एसिड्स जो कि सिक्रेटिन वगैरह के द्वारा. इसके अलावा वेगस स्टिम्युलेशन के द्वारा भी ये सीक्रेट. वेगस स्टिम्युलेशन का न्यूरोजेनिक हो गया, केमिकल में HCL आ गया, हार्मोनल में ये प्रोटीन्स के डाइजेशन वगैरह इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये तो सब इसके स्टिम्युलेटर होते हैं. जबकि इनहिबिटर में स्प्लैंकनिक नर्व स्टिम्युलेशन की वजह से इसका सीक्रेशन इनहिबिट हो जाता है. अब बाइल का कंपोजिशन, तो बाइल जो मेनली है वो वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, बाइल सॉल्ट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और बाइल पिगमेंट्स का बना होता है. इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोरीन होते हैं सेम कंसंट्रेशन में, जैसे कि प्लाज्मा में या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होते हैं वैसे के वैसे ही कंपोजिशन में बाइल में भी ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोरीन पाए जाते हैं. बाइल की पीएच न्यूट्रल होती है, थोड़ी सी एल्कलाइन होती है. बाकी ये डाइट के अकॉर्डिंग वैरी करती है भाई. जैसे अगर आप प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हो तो ये एसिडिक हो जाएगी, अदरवाइज ये थोड़ी एल्कली रहती है. बाइल एसिड का रेशियो क्या है, फॉस्फेटिडिल कोलीन और कोलेस्ट्रॉल जो है बाइल एसिड बनाते हैं, जो कि 10:3:1 के रेशियो में पाए जा रहे होते हैं. बाइल एसिड, फॉस्फेटिडिल कोलीन और कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों जो है 10:3:1 के रेशियो में पाए जा रहे होते हैं इस बाइल के अंदर. ऑलमोस्ट 95% जो बाइल एसिड है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है और लीवर में वापस चला जाता है पोर्टल सर्कुलेशन और एंटीरो हिपैटिक सर्कुलेशन के द्वारा. रिमेनिंग जो 5% होता है वो स्टूल और यूरिन में पास हो जाता है. अब बाइल का फंक्शन क्या है भाई, हमने कहा जो बाइल अब बन रहा है ना उसमें से 95% बाइल एसिड तो रीअब्सॉर्ब होकर वापस लीवर में चला जाएगा पोर्टल सर्कुलेशन और एंटीरियर हेपेटिक सर्कुलेशन के द्वारा, और जो 5% बच जाएगा वो स्टूल और यूरिन में पास होएगा. इसका फंक्शन क्या है, ये कंसंट्रेट, स्टोर और रेगुलेट करता है. किसका फंक्शन पढ़ रहे हैं अपन, जीबी का फंक्शन. जीबी बाइल के फ्लो को कंसंट्रेट करता है, स्टोर करता है, रेगुलेट करता है मील के रिस्पांस में कि कैसा मील खा रहे हैं अपन, फैटी खा रहे हैं या नॉन फैटी मील खा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग. इसके अलावा बाइल का फंक्शन होता है फैट का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन. पहले तो जीबी का फंक्शन पढ़ा, दूसरा हम बाइल का फंक्शन पढ़ रहे हैं कि फैट के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को करवाता है. ये मेजर एक्सक्रीटरी रूट है लिपिड सॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट का मेजर एक्सक्रीटरी रूट होता है बाइल. अब एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन कैसा होता है, फास्टिंग स्टेट में 80% जो बाइल सीक्रेटेड होता है वो लीवर द्वारा सीक्रेट होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है. ये रैपिडली एब्जॉर्ब करता है सोडियम क्लोराइड और वाटर को और कंसनट्रेट करता है बाइल को 10 गुना ज़्यादा. इन सबसे बाइल ज़्यादा 10 गुना कंसनट्रेट हो जाएगा. गॉल ब्लैडर की एपिथीलियल सेल से 2 इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट सीक्रेट होते हैं गॉल ब्लैडर की ल्यूमन में. वो 2 प्रोडक्ट हैं ग्लाइकोप्रोटीन और हाइड्रोजन आयन. गॉल ब्लैडर के एपिथीलियल सेल्स गॉल ब्लैडर के ल्यूमन में 2 इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ग्लाइकोप्रोटीन और हाइड्रोजन आयन्स का सीक्रेशन करते हैं. एसिडिफिकेशन से कैल्शियम सॉल्युबिलिटी बढ़ती है जिससे कि कैल्शियम सॉल्ट प्रेसिपिटेट नहीं होता है, क्योंकि अगर प्रेसिपिटेट हो गया तो स्टोन वगैरह बना देगा, तो ये कैल्शियम सॉल्ट को प्रेसिपिटेट नहीं होने देता एसिडिफिकेशन. अब गॉल ब्लैडर के फंक्शन देखिए, पहला तो बाइल का स्टोरेज और फिर जब भी ज़रूरत हो, मतलब जब फैटी मील खाई हो तो ड्यूडेनम में इसको रिलीज करता है. गॉल ब्लैडर पहले तो बाइल को स्टोर करता है और फिर ड्यूडेनम में इसको रिलीज करता है जब ज़रूरत होती है. इसके अलावा ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है और बाइल का कंसंट्रेशन करता है. बाइल कंसंट्रेट होती है 10 गुना ज़्यादा. नॉर्मल गॉल ब्लैडर स्मॉल अमाउंट में लूज बाइल को एब्जॉर्ब करता है, लूज बाइल सॉल्ट कोलेस्ट्रॉल कंपाउंड को स्मॉल अमाउंट में एब्जॉर्ब करता है.
ये बिलियरी सिस्टम में प्रेशर को रेगुलेट करता है एप्रोप्रिएट डायलिटेशन और कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा। डायलिटेशन और कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर एप्रोप्रिएट चलते रहते हैं बिलियरी सिस्टम में, तो ये उसके बिलियरी सिस्टम के प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। इस तरह से नॉर्मल कॉलिडोडेनल या कॉलिडो ड्यूडेनल मैकेनिज्म जो है वो, मतलब उसके डायलिटेशन और कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म इसी वजह से मेंटेन रहता है, इस गॉल ब्लैडर की वजह से। बस ये इतनी है हमारे गॉल ब्लैडर की फिजियोलॉजी, इसमें हमने फंक्शंस पढ़ लिए गॉल ब्लैडर के और वो कैसे क्या क्या एक्ट कर रही है, कैसे हमारे जीआई ट्रैक से जुड़ी हुई और कैसे हमारे ड्यूडेनल पार्ट के डायलिटेशन कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट कर रही, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए।